जब हम आत्मा और जीव कहते हैं तो वहां एक एडिशन हो जाती किसकी अविद्या की अंताकरण की तो अंताकरण की वजह से वह जीव हुआ है है तो चैतन्य स्वरूप ऐसे ही माया की वजह से वह ईश्वर हुआ है है तो वह ही चैतन्य स्वरूप को अगर हम देखेंगे तो उसमें कोई भेद नहीं है लेकिन अगर उसकी उपाधियों को अविद्या और माया की उपाधियों को देखते हैं तो फिर यहां पे बहुत बड़ा फर्क आ जाता है तो अभी बात किसकी हो रही है वृष्टि जीव की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि जो चेतना इस जीवपने में है वह जीवपने में आते ही उसका ज्ञान लिमिटेड हो गया अल्प ज्ञान अल्प मैंने थोड़ा इसका ज्ञान अल्प है और आ, अन ईश्वरत्वा इसमें ईश्वरपन नहीं है जीव में ईश्वरपन नहीं है मुझे याद आ रही एक बार उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा कि क्या महाराज जीव ही ब्रह्म है बोले ना जीव ब्रह्म नहीं है क्यों जीव तो अल्प है जीव में तो ईश्वरत्व नहीं है तो जीव को ब्रह्म हम कैसे कह सकते हैं जब तलक जीव से जीव पने का बाध नहीं होगा तब तलक हम उसको ब्रह्म नहीं कह सकते जीव पने का बाध किए बगैर जीव ब्रह्म है नहीं कहा जा सकता ये इतनी बड़ी गलती है कि अच्छे अच्छे लोगों को ये बात समझ नहीं आती कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है ये ऐसे हो सकता है क्योंकि यही सत्य है तो हम जीव में कोई ईश्वरत्व नहीं है ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और फिर आदि गुणकम इसके अंदर बहुत से ऐसे गुण हैं जो इसको इसकी बेवकूफियाँ, इसकी अल्पज्ञता इसके छोटे होने को इसके बृष्टि होने को साबित कर रही हैं। मैंने जीव जब किसी भी शरीर में होए, तो उसी शरीर को मैं मानने लग जाता है आज आपके पास मनुष्य का शरीर है तो तुम अपने आप को मनुष्य कहते हो अगर आपको कुत्ते बिल्ली का शरीर मिला होता तो तुम उसको अपना मैं मान रहे होते यही तो जीव का बेवकूफ होना है अब एक कुत्ता बिल्ली के शरीर में जो मन बुद्धि है उसमें तो ये सक्षमता नहीं है कि वो समझ पाए कि वो शरीर नहीं है कि वो मन नहीं है या वो चैतन्य स्वरूप है लेकिन जो दिमाग एक मनुष्य के पास है अगर इस दिमाग में ज्ञान का प्रकाश डाला जाए तो ये जान सकता है कि ये मनुष्य रूपी शरीर में नहीं है ये सीमित मन में नहीं है ये सीमित बुद्धि में नहीं है मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप पर जब पैदा मैंने किसी भी शरीर में जब यह जीव होता है तो उसी शरीर को मैं मानता है यही तो इसके अल्पज्ञ होने की पहचान है अब आप ये ना पूछो कि ऐसा क्यों होता है जीव ऐसा ही है जीव की अकल ही ऐसी है जीव के होने का जो जो उसका स्वरूप है जो उसका स्वभाव है वो तो वही है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि नींबू खट्टा क्यों है या सेब लाल क्यों है ऐसे ही आप ये नहीं कह सकते हैं कि जीव अल्पज्ञ क्यों है और ईश्वर सर्वज्ञ क्यों है अब इसमें थोड़ा एक बात मैं और कह देती हूं जीव को परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए ये बात मैं जब भी बोलती हूं तब उस समय पर तुम्हें जीव बना करके और ब्रह्म नहीं ईश्वर की उपासना तुमसे करवाई जा रही है तब हम कहते हैं ईश्वर को याद करो ईश्वर को याद करो अगर आपका जीवपना हट जाए जीवपने की बेवकूफी खत्म हो जाए सच जानो हम एक बार भी नहीं कहेंगे अपने आप को मैंने ईश्वर को याद करो ईश्वर क्योंकि ईश्वर और जीव को जो चीज अलग कर रही थी वो थी उसकी अविद्या वो था उसका अज्ञान और जब अविद्या न रही जब अज्ञान न रहा जब बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ गया तो जीव जाना अरे मैं तो जीव ही नहीं हूं तो जीव पने का बाद होते ही ईश्वर पने का भी बाद हो जाता है तो जब जीव पने का बाद हुआ तो ईश्वर पने का भी बाद हुआ तो बचा क्या शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म अब इसमें कौन कौन किसका सुमिरन करे तो ये बड़ी खतरनाक बात जिसने पहले से तैयारी नहीं की जिसने पहले से श्रवण नहीं किया उसके तो पल्ले नहीं पड़ने वाली ये बात प्रज्ञा इति उच्यते अब ये जो ये जो जीव अंत वाला जीव है सुषुप्ति अवस्था में इसी का नाम प्राज्ञ हो जाता है सुषुप्ति में गहरी नींद में क्या मन होता है क्या बुद्धि होती है क्या शरीर का पता होता है क्या इंद्रियां होती हैं लेकिन फिर भी नींद हुई ये पता होता है तो ये किसने जाना ये तो प्राज्ञ ने जाना जो नींद में मन बुद्धि के सो जाने पर भी जो जागृत रहता है उसी को हम प्रज्ञ कहते हैं तो यहां जीव का ही नाम प्रज्ञ हो जाता है अगला श्लोक अश्राज स्पष्टा उपदिष्ट अनति प्रकाशवात् जिसे हम प्रज्ञ कहते हैं ये इसका आ, मन अंतकरण से जो स्पष्ट रिश्ता है उसकी वजह से इस रिश्ते की ही वजह से इसमें एक हम कहेंगे डलनेस वो आ जाती और इसमें ज्ञान की भी लुप्तता हो जाती जैसे सुषुप्ति अवस्था हो रही है उस समय पर ये जुबान नहीं है मन नहीं है बुद्धि नहीं है तो बोल नहीं सकता है कि हो हो रही। रही और जब हो रही होती है, तो अनुभूति तो कर रहा है पर बोल नहीं सकता है पर जब जाग के बोलता है कि रात नींद बहुत अच्छी आई तो प्रश्न इसमें ये उठ सकता है कि अगर तुम सोए हुए थे तो गहरी नींद की खबर किसको लगी अब लगी तो अपने आप को ही है पर फिर भी इसकी जो अल्पज्ञता है अन अति प्रकाशकत्वाद प्रकाशमन नहीं है उज्ज्वल नहीं है क्लैरिटी नहीं है इसलिए एक बेहोशी की परत जो है वो इसके ऊपर छाई रहती है